हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे लॉयड्स स्टील इंडस्ट्री शेयर के बारे में। आज का करंट प्राइस है 12.25 एंड गिरावट देखने को मिली है -4.67% की। 52 वीक लो इज 1.70 एंड हाई इज 28.80। पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। जानेंगे कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। उससे पहले मार्केट कैप है 1211 करोड़ का, फेस वैल्यू है 1 रुपीज एंड फ्रेंड्स डिविडेंड भी अनाउंस किया है 0.05 पैसे का। सबसे पहले जानते हैं इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो आपको कल काम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, रेजिस्टेंस 1 है 13.25, देन 2 है 13.65, देन 13.85 एंड सपोर्ट है 12.65, 12.45 एंड 12.05। आज के सेशन का वॉल्यूम कैसे था ये देखते हैं फ्रेंड्स। एक लोअर सर्किट था तो वॉल्यूम कम ही था फ्रेंड्स, 44 लाख का वॉल्यूम था आज के सेशन में। अब फ्रेंड्स जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्यों लास्ट टू डेज से इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट फ्रेंड्स इसका आ चुका है और रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट आया है और रिजल्ट में डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है। तो फ्रेंड्स क्या रीज़न है कि लास्ट टू डेज में शेयर में एक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और ये लोअर सर्किट कब तक रहेगा एंड क्या इस शेयर में कोई प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। इसकी एक न्यूज़ की वजह से सिर्फ लॉयड स्टील ही नहीं, पूरा एक मेटल सेक्टर, पूरा मेटल सेक्टर फ्रेंड्स लास्ट टू डेज से गिरावट में है। रीज़न ये है क्योंकि एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इम्पोज किया है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन आयरन ओर एंड सम स्टील इंटरमीडिएटरीज। तो फ्रेंड्स इसी रीज़न से पूरा का पूरा मेटल सेक्टर में ही हमें लास्ट टू डेज से गिरावट देखने को मिली है, बिकॉज ये एक न्यूज़ आई है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को लगा दिया है। सो फ्रेंड्स बट पोटेंशियली शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो फ्रेंड्स ये गिरावट ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, शेयर बाउंस बैक कर जाएगा और दोबारा से अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करता आपको देखने वाला है। बट लेटेस्ट न्यूज़ जो वो थी मैंने आपको दे दी कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो फ्रेंड्स इस सारे मेटल सेक्टर को इसकी वजह से एक ब्लड बाथ देखने को मिला है हमें सारे मेटल सेक्टर में, चाहे टाटा स्टील हो चाहे सेल कंपनी हो। तो फ्रेंड्स इस सिर्फ लॉयड स्टील में गिरावट देखने को नहीं मिली, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है शेयर में और कंपनी की तरफ से, ये पूरे सेक्टर की बात थी, इसीलिए फ्रेंड्स इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। आज का अपडेट मैंने आपको बता दी और आज की परफॉर्मेंस कैसे रही वो भी मैंने आपको बता दी। बट फ्रेंड्स हमें कुछ ही दिनों में दोबारा से अपर सर्किट देखने को दोबारा मिल जाएगा इस शेयर में। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट लॉयड स्टील शेयर। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं शेयर में तो आपको एक अच्छा रिटर्न डेफिनेटली मिल सकता है। जैसे ही कोई डिफरेंट न्यूज़ आती है तो बेल बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, डेफिनेटली वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। कल अगर फ्रेंड्स अच्छे रहे मार्केट की कंडीशन तो हम इसमें एक अपर सर्किट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉयड स्टील शेयर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स पेनी स्टॉक है तो हमेशा उतना इन्वेस्टमेंट करना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।